Now next problem we are solving by using conditional operator. Read this example. Write a C program to check given year is leap year or not. First of all, how to say given year is leap year or not? If any year having 29 days in their Feb month, अगर किसी भी year के February month में 29 days found होते हैं, then इस year का type क्या होगा? Always year is leap year. Yes, year is leap year. अगर किसी particular month year के case में Feb month के अंदर number of maximum days कितने हैं? 28. Then year is not a leap year. This is the case. अगर किसी भी कैलेंडर में चेक करोगे ना फेब के अंदर 29 डेज फाउंड हो रहे हैं देन ईयर को आप कंसीडर करो एज अ लीप ईयर अदरवाइज नॉट अ लीप ईयर सिंपली हाउ टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन प्रोग्रामिंग नोटेशंस प्रोग्राम्स के केस में जनरली स्टैंडर्ड जनरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे सिंपल केस रहता है जनरली इन दैट केस अगर कोई भी ईयर 4 का मल्टीपल है इफ ईयर इज मल्टीपल ऑफ 4 then you can say year is leap year but mandatory condition is अगर year 4 का multiple है then year कभी भी 100 का multiple नहीं होना चाहिए then year not multiple of 100 means अगर 4 का multiple है then 100 का multiple नहीं होना चाहिए but suppose that or दूसरा केस क्या होता or अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है देन ईयर कैसे होना चाहिए और ईयर शुड बी मल्टीपल ऑफ 400 मींस अगर 4 का मल्टीपल है देन 100 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए फर्स्ट केस क्या अगर कोई भी गिवन ईयर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का मल्टीपल है 4 से डिवाइड हो रहा है देन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए बट सपोज दैट अगर ये 100 से डिवाइड हो रहा है देन डायरेक्टली इसको लीप ईयर कंसीडर करना पॉसिबल देन आप दूसरा कंडीशन चेक करो और के रिस्पेक्ट में देन ईयर शुड बी मल्टीपल ऑफ 400 सॉरी मींस या तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होना चाहिए या फिर सेकंड बिकॉज ऑफ और ऑपरेटर इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू देन रिजल्ट इज कंप्लीटली ट्रू क्लियर हाउ टू राइट दिस एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ सी लैंग्वेज First of all, we have required one input variable called as year. What are the steps of creating C program? First one, providing all variable declarations. How many variables are required? Only one variable as year. Next one, then reading value of year from a keyboard using scanf function. Before that, we are displaying some message. As a guideline to the user, enter year which you want to check. Next one, user के through year enter होने के just बाद, लेकिन year को read करने के लिए use क्या करेंगे इस case में scanf function percent d ampersand और address out of year. Then condition क्या है? First condition again recheck. Year should be multiple of 4. How to check given number is multiple of 4 or not? Plus a expression directly supplying करके supply करें in the form of printf percent s multiple of 4 or not? Year modulo by 4. If value of year is divided by 4 gives result or remainder as 0. Then you can say year is multiple of 4. But mandatory condition क्या है? अगर year 4 का multiple है, then 100 का multiple नहीं होना चाहिए. Then 100 के केस में, इस केस में दोनों ही condition कैसे हैं? Mandatory. Therefore second condition apply करेंगे. And year modulo by 100 equals to 0 or not equals to 0. Not equals to 0. अगर ईयर 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नॉन जीरो प्रोवाइड करता देन आप कह सकते हो इस केस में ईयर कैसा है ईयर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100 इस केस में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन एज वेल एज सेकंड कंडीशन अदरवाइज और क्या यूज करोगे और ईयर इज मल्टीपल ऑफ 400 या तो फिर अगर ईयर 400 का मल्टीपल है देन ईयर कैसा होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 400 इसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन अकॉर्डिंग टू लॉजिकल एंड
मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करके राइट कर रहा हूँ, सेकेंड वन ईयर मॉड्यूलो बाई 400 इक्वल जीरो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है, या तो फर्स्ट केस में बात करें, फर्स्ट केस में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज थर्ड कंडीशन। अगर एक कंडीशन ट्रू है देन अकॉर्डिंग टू कंडीशनल ऑपरेटर वी आर डिस्प्लेइंग यस ईयर इज लीप ईयर, ईयर इज लीप ईयर, अदरवाइज मैसेज डिस्प्ले कराएंगे और नॉट लीप ईयर, नॉट गिवन ईयर इज नॉट लीप ईयर लाइक दैट। This is the closing of printf. This is the logics for testing given year is leap year or not. Now testing some examples based on some inputs. First one, variable year, enter value of year. First of all we are entering something 2000 or 2008. As we know 2008 having is a leap year because इसके फेव मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने फाउंड हुए हैं 29 डेज। प्लीज गो इनसाइड कैलेंडर एंड चेक द नंबर ऑफ डेज इन 2008 ईयर इनसाइड फेव मंथ। लेकिन इसको जब कंडीशन में अप्लाई करें तो फर्स्ट वन, सबसे पहले फर्स्ट केस में अप्लाई करें, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ईयर मॉड्यूल वाई फॉरवर्ड इज द वैल्यू ऑफ ईयर 2008 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल जीरो। एज वी नो 2008 को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट वन, बिकॉज एज वी नो अगर किसी भी नंबर के लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं 100% नंबर कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल टू जीरो। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन आप चेक क्या हुआ एंड चेक द सेकेंड कंडीशन अगेन, ईयर क्या 2008 और 2008 को नेक्स्ट टाइम डिवाइड किससे करेंगे, मॉड्यूलो बाय 100। एज वी नो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट टू डिजिट्स व्हिच इज 8 इक्व नॉट इक्वल्स टू 0, दिस वन इज आल्सो ट्रू। फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू रिगार्डिंग और के केस में फर्स्ट कंडीशन कैसा है, ओवरऑल कंडीशन इज ट्रू, इसलिए सेकंड कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली कंट्रोल का सेंड हुआ ट्रू सेशन, डिस्प्ले क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग यस लीप ईयर। सेकेंड केस, सपोज दैट वी आर टेस्टिंग 2000, वन मोर केस, 2000 के केस में क्या 2004 से भी डिवाइड हो रहा है प्लस 100 से भी डिवाइड हो रहा है, जबकि कंडीशन क्या है, ईयर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाई 100, ईयर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाई 100। इस केस में फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है लेकिन सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है देन अब टेस्ट क्या हुआ रिगार्डिंग और के केस में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है अब टेस्ट क्या हुआ इट्स सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन क्या है 2000 मॉड्यूलो बाय 400 इक्वल जीरो। तो इस केस में 2400 से डिवाइड कितनी बार, वो 5 टाइम, और रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में जीरो, जीरो इक्वल जीरो, कंडीशन इज ट्रू। मीन्स और के केस में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है लेकिन सेकेंड कंडीशन ट्रू, इसलिए अगेन रिटर्न क्या हुआ ट्रू सेशन लीप ईयर। वन मोर केस 1900 के रिगार्डिंग अगर आप चेक करो तो 1900 के केस में नंबर ऑफ डेज कितने फेम है 28 not a 29। चेक दिस फर्स्ट वन, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे 1900 मॉड्यूलो बाय 4, इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा जीरो, जीरो मींस जीरो इक्वल जीरो, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन कैसा इसका एंड के केस में, एंड के केस में फर्स्ट कंडीशन कैसा है ट्रू, अब चेक क्या हुआ इट्स सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है मॉड्यूलो बाई 100, अगर 100 से भी डिवाइड करेंगे सेम नंबर 1900 तो ये डिवाइड कितनी बार होगा 19 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आएगा फाइनली जीरो, जीरो इक्वल जीरो अगेन टू, सॉरी इक्वल्स टू जीरो, लेकिन चेक क्या कंडीशन क्या लगाया है रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट केस में रिमाइंडर क्या है जीरो, जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन बिकम फॉल्स। इस केस में एंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा इसका, ओवरऑल रिजल्ट इज ऑल्सो फॉल्स। तो फर्स्ट केस में फाइनली एंड से क्या मिला है फॉल्स, अगर एंड के और के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स आप चेक करें इट्स सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज सेकेंड कंडीशन ईयर, दैट वन ईयर, ईयर वैल्यू इज 1900 मॉड्यूलो बाय 400 इक्वल जीरो, इज द सेकेंड कंडीशन फॉर और ऑपरेटर, और 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे उसके इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 300,
400 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 4, क्या आएगा 1600, आफ्टर सबट्रैक्शन इट विल गिव 300. तो इसके इसमें रिमाइंडर क्या, 300 इज नॉट इक्वल 0, कंडीशन कम फॉल्स. इस और के केस में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट क्या इसका ऑल्सो फॉल्स फॉल्स है. तो इसके इसमें कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, सेकंड वन फॉल्स सेशन डिस्प्ले नॉट लीप ईयर. क्लियर क्लियर.